नमस्कार दोस्तों, मैं कुलदीप शुक्ला वापस आप लोगों के बीच। आज आप लोगों को बताऊंगा कि टीवी चैनल्स कैसे हम लोगों के साथ धोखा कर रहे हैं। साथ ही साथ बताऊंगा कि वो कौन से चैनल हैं जिनके मालिकों को गिरफ्तार कर लिया गया है। उनमें से एक टीवी चैनल्स के मालिक को अभी तक गिरफ्तार नहीं किया गया है। उन पर यह आरोप लगा है कि उन्होंने फर्जी तरीके से टीआरपी को दिखाने की कोशिश की है। मुंबई पुलिस कमिश्नर ने टीआरपी बढ़ाने वाले चैनलों के खिलाफ आज खुलकर बताया। आर भारत यानी कि रिपब्लिक टेलीविजन के खिलाफ आज ये मोर्चा खोल दिया और उन्होंने खुलकर बताया कि रिपब्लिक टीवी फर्जी टीआरपी दिखा रहा है। टीआरपी का मतलब होता है टेलीविजन रेटिंग पॉइंट, यानी कि सबसे ज्यादा दर्शक उस चैनल को देख रहे हैं। कहने का मतलब ये, इसका एक सिस्टम होता है, टीआरपी का एक मशीन होता है जो घरों में लगाया जाता है, जिनकी एक एजेंसी होती है जिनसे ये टाई अप होता है कि आप केवल उन चैनलों को देखेंगे जो हम चैनल्स आपको बताएंगे। यहाँ पर पुलिस कमिश्नर ये आरोप लगाया है कि टेलीविजन जो आर भारत पब्लिक चैनल है, उन्होंने कुछ घरों को ऐसे चिन्हित किया और वहाँ पर अपने लोगों से ये सेटिंग करके पैसे दे करके टीआरपी बढ़ाने की कोशिश की है, इसलिए उन पर आरोप लगा है। हालांकि अभी तक इस पर कुछ सुनवाई नहीं हुई है। रिपब्लिक भारत के ओनर ने यह साफ साफ आरोप से खंडित किया कि उनके ऊपर यह आरोप लगा है। अभी यह साबित करने के लिए इस पर जांच एजेंसी बैठाई गई है। पुलिस कमिश्नर का और भी आरोप है कि ये कई घरों में इनके मीटर्स लगाए गए हैं जहां से टीआरपी बढ़ाई जाती है, जिससे आर पब्लिक की रेटिंग पॉइंट बढ़े और उनका चैनल और ज़्यादा देखा जाए। दोस्तों, टीआरपी बढ़ने का फायदा क्या होता है, ये भी हमें जानना बहुत ज़रूरी है। देखिए, दर्शक तो सिर्फ अपनी मर्जी से ही टीवी देखता है, उसे उससे कोई लेना देना नहीं कि टेलीविजन में क्या टीआरपी हो रही क्या नहीं हो रहा। टीवी केवल वो अपनी मर्जी से देखता है, उसको जो चैनल पसंद होता है वही देखता है। लेकिन टीआरपी का मतलब ये हो जाता है कि दर्शक सबसे अधिक उसी चैनल को देख रहे हैं जो उसकी टीआरपी ज़्यादा बढ़ रही है, जिसकी वजह से लोग उस चैनल की लोकप्रियता को बढ़ने में टाइम नहीं लगता और आगे जंप कर जाता है। इसलिए पुलिस कमिश्नर ने जब इसकी फर्जीवाड़े को खोला और खुल करके दो मराठी चैनल के ओनर्स को अभी तक गिरफ्तार किया गया है। आर भारत पब्लिक के बारे में भी लिखा गया है, अभी उसके बारे में भी क्लियर होगा। टीआरपी बढ़ने का एक और भी फायदा है, जिससे आपके चैनल को भारी संख्या में ऐड मिलता है, मतलब कि विज्ञापन मिलते हैं, और जहां पर ज़्यादा विज्ञापन होंगे वहां पर ज़्यादा ही पैसे आएंगे, इसलिए चैनल वाले इसको टीआरपी बढ़ाने में लगे रहते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं देखा जाए तो ये दर्शकों के साथ एक बहुत बड़ा धोखा है, क्योंकि जिस चैनल को हमने कभी देखा ही नहीं, जिस चैनल को हमने पसंद किया नहीं, आखिर उसकी टीआरपी बढ़ कैसे गई, ये सोचने वाली बात है। इसलिए मुंबई पुलिस कमिश्नर ने आज इसका फर्जीवाड़ा पोल खोल दिया है। वहीं रिपब्लिक भारत के ओनर ने ये कहा है कि हमारे ऊपर जो भी आरोप लगाए गए हैं वो पूरी तरह से गलत है। अगर हमारे छवि पर कोई भी परेशानी आई तो हम मुंबई पुलिस कमिश्नर पर मानहानि का दावा करेंगे। दोस्तों, आप लोगों के माध्यम से जानना चाहूंगा, क्या आर भारत पब्लिक ने लोगों के साथ धोखा किया है? क्या आप आर भारत पब्लिक चैनल को नहीं देखते हैं? क्या रिपब्लिक चैनल को आप पसंद नहीं करते हैं? कमेंट बॉक्स में बताइए, क्या रिपब्लिक भारत आपके साथ चीटिंग कर रहा है? क्या वो टीआरपी बढ़ाने के लिए फर्जीवाड़ा का काम कर सकते हैं? आप लोगों के कमेंट के लिए मैं इंतजार करूंगा। तब तक हमारे चैनल को देखते रहिए। हमारे चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन जरूर बता दें।